वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। टुडे वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक प्रेपोजिशन। अलग अलग टाइप के प्रेपोजिशन पढ़ेंगे और आप कहाँ पे इन सारे प्रेपोजिशन को यूज करोगे, एवरीथिंग वी विल डील इन डिटेल्स। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट दून ऑफिसर्स एकेडमी इज स्टार्टिंग देयर ऑफलाइन बैचेस। हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है जहाँ पे जो भी आपके डिफेंस एग्जामिनेशन है, वेदर इट इज RAMC, RMS, FCAT, CDS, NDA, सैनिक स्कूल, इन सब के हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसलिए एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज टॉपिक दैट इज प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन होता क्या है समझने से पहले लेट अस ट्राई टू ब्रेक दिस टर्म। ठीक है, प्रेपोजिशन प्री, एक वर्ड है ना यहाँ पे प्रीपोजिशन। आप जब बहुत सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो उसमें हमेशा अलग अलग लेवल्स होते हैं, राइट? आपका टीयर वन होता है, टीयर टू होता है, आपके जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स है दे हैव प्रीलिम्स, मेंस एंड देन द इंटरव्यू, है ना? तो आप क्या बोल रहे हो, प्री मीन्स व्हाट, पहले, बिफोर, राइट? टू सेट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन यू हैव टू क्लियर द प्रीलिम्स, है ना? तो प्री का मतलब क्या है, बिफोर, राइट? तो प्रेपोजिशन याद रखिएगा किसके पहले आप लगाते हो, फॉर द नाउन और प्रोनाउन। तो आपका प्रेपोजिशन क्या हुआ, ऐसे वर्ड जो आप नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाते हो। एक चीज हमेशा याद रखिएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन कभी भी आपका वर्ब के पहले नहीं लगता है। प्रेपोजिशन वर्ब के पहले नहीं लगता है लेकिन ये जिरैंड के साथ लगता है। ठीक है, मतलब यू कैन प्लेस अ प्रेपोजिशन बिफोर अ जिरैंड लेकिन वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करोगे, राइट? अब इसमें एक और आपका एक्सेप्शन है, कई बार आप लिखते हो टू मूव, है ना? अगर मैं बोलती हूँ टू मूव तो आप बोलोगे टू क्या है, इट्स अ प्रेपोजिशन? नहीं, यहाँ पे जो आपका टू मूव है ना वर्ड, इसमें टू मूव ये आपका बेसिकली टू इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। ठीक है, टू इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, टू मूव दिस इज टेकन टूगेदर, राइट? टू यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन की तरह काम नहीं कर रहा, जैसे आपने टू बी फॉर्म पढ़ा था ना, राइट? सिमिलरली ये क्या है, दिस इज द फॉर्म, दैट फॉर्म ओनली। तभी आप ये चीज रखेगा कि आप कभी भी वर्ब के पहले प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। प्रेपोजिशन हमेशा किसके पहले आता है, यहाँ पे एक टर्म दे रखा है ना प्री, मतलब इसकी पोजिशन किसके पहले है, नाउन या प्रोनाउन। अगर वर्ब में, वर्ब में भी कौन सा फॉर्म, जिरैंड, जिरैंड आपका कौन सा फॉर्म होता है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, राइट? तो प्रेपोजिशन आपके क्या होते हैं, ऐसे कोई भी वर्ड जो आप किसके नाउन या प्रोनाउन और एल्स जिरैंड के पहले लगाते हो। एंड व्हाट डू दे टेल यू, दे बेसिकली टेल यू अबाउट द रिलेशन। रिलेशन बताते हैं ये कि जिसके बारे में बात की जा रही है, राइट? जिसके बारे में बात हुई जा रही है तो उसका रिलेशन क्या है, वट इज इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स। तो प्रेपोजिशन में हमेशा ये चीज याद रखिएगा दैट दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन और जिरैंड। वर्ब में आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, राइट? वर्ब के पहले आप कभी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। और ये क्या बताता है आपको, इट बेसिकली टेल्स यू अबाउट द रिलेशन, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है उसका रिलेशन क्या है, राइट, विद समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल द बुक is laying on the table, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, we are talking about a noun that is book, है ना? उसका relation किसके साथ, table के साथ, कहां पे है वो, that is on the table। relation ये तो बता रहा है कि आपका जो noun है, और मैंने आपको क्या बोला था कि आपका noun है, है ना? तो आपका book is a noun, तो उसका relation किसके साथ, table के साथ। Here book is a subject and table is what, it is a object, है ना? तो preposition आपका क्या बताता है, it tells you about the relation of a noun or pronoun, ठीक है? Noun या pronoun जो है उसका relation, right, object के साथ क्या है, that is what the preposition tell you। और if you will break down this term, pre means what, before, है ना? Pre का मतलब क्या है, before, तो ये किसके पहले लगते हैं, noun या pronoun के। इतना clear है? So this was a little brief about preposition। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपके preposition होते हैं उनको further details में पढ़ेंगे। I hope preposition आपको clear होगा, कहाँ पे लगता है ये, before noun, pronoun और gerund,
है ना, क्या बताता है, इट टेल्स यू अबाउट द रिलेशन, कि जिस सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है उसका क्या रिलेशन है अबाउट द ऑब्जेक्ट, राइट। अब पहला जो प्रेपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एट, इन या फिर ऑन, ठीक है। पहला जो प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं दैट इज एट, इन एंड ऑन। पहली चीज टाइम के रेफरेंस में आप कब यूज करोगे, ठीक है। इससे इसके बाद हम पढ़ेंगे एट, इन और ऑन आप प्लेस के रेफरेंस में कहाँ पे इस्तेमाल करोगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एट, इन और ऑन, ठीक है, आप टाइम के रेफरेंस में, मतलब जब ये प्रेपोजिशन आप टाइम के साथ यूज करोगे तब आप कहाँ पे इस्तेमाल करोगे। एट जो है आपका, एट आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक टाइम या फिर प्रिसाइज टाइम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, देयर यू विल यूज एट। एट आप व्हेन वी आर यूजिंग द प्रेपोजिशन एट विद रेफरेंस टू टाइम, है ना। जब हम एट का इस्तेमाल किसके साथ कर रहे हैं, टाइम के रेफरेंस में कर रहे हैं, तो हम एट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, फॉर द प्रिसाइज टाइम और द स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जाम्पल एट 10 o'clock, है ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक प्रिसाइज टाइम बताया है, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एट। इतना क्लियर है। इन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये सब प्रेपोजिशन किसके बिहाफ पे हो रहे, दिस इज इन रेफरेंस टू टाइम ओनली। इनकी अगर हम बात करें तो इन आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, फॉर मंथ्स या फिर आपका ईयर हो गया या सेंचुरीज हो गया और एल्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इन मैं किसके साथ इस्तेमाल करूंगी, व्हेन आई एम रेफरिंग टू एनी मंथ और ईयर या फिर सेंचुरीज के बारे में जब मैं बात कर रही हूं, वहां पे आई विल यूज द प्रेपोजिशन इन, क्लियर। अब इसके बाद आपका आता है ऑन। ऑन में सिर्फ दो चीजें याद रखिए, एक तो है डेज एंड डेट्स, ठीक है। ऑन आप किसके साथ इस्तेमाल करते हो, या तो डेज के लिए या फिर डेट्स के लिए। तो अगर मुझे इन तीनों का इस्तेमाल एक ही सेंटेंस में करना है तो मैं क्या बोलूंगी, एट 10 o'clock इन मे, और इफ आई से दिसंबर, ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव कब होती है, क्रिसमस ईव का मतलब है 24th की ईव, राइट। मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स थिंक है क्रिसमस ईव की बात कर रहे हैं, तो 25th दिसंबर के हम शाम की बात कर रहे हैं। क्रिसमस ईव बेसिकली मींस 24th, ठीक है, 24th दिसंबर की जो शाम होती है दैट इज योर क्रिसमस ईव, राइट। तो एट आप किस में इस्तेमाल करिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिसाइज टाइम, राइट। और आप इनका इस्तेमाल कब करते हो, जब आप मंथ्स की बात कर रहे हो या ईयर की बात कर रहे हो या फिर आप एक कोई लंबे पीरियड, टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, देयर यू विल यूज इन। उसके बाद आता है आपका ऑन। ऑन आप डेज और डेट्स के लिए इस्तेमाल करते हो। इतना क्लियर है। अब एट, इन और ऑन हम प्लेस के रेफरेंस में कब यूज करेंगे, राइट। जब हम, अभी तो हमने किसके रेफरेंस में पढ़ा, टाइम के। जब हम क्या बता रहे, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तब हमने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बारे में बात करिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में, ईयर के बारे में या फिर डे या डेट्स। अब व्हेन वी यूज दिस प्रेपोजिशन इन टर्म्स ऑफ प्लेस, जब हम क्या कर रहे हैं, प्लेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तब हम कहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो एट आप कब यूज करते हो, एट आप पॉइंट के लिए यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि एट द कॉर्नर क्या है, एक पॉइंट है, या फिर मैं बोलती हूँ एट द बस स्टॉप, राइट। तो जब मैं क्या पॉइंट की बात कर रही हूँ ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, तब मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, आई विल यूज द प्रेपोजिशन एट देयर, राइट। इसके बाद आपका आता है इन। अब इन की जब हम बात करते हैं, इनसे बहुत सी इन जो है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, फॉर द इनक्लोज्ड स्पेसेस। वी यूज इन फॉर द इनक्लोज्ड स्पेसेस,
इनक्लोज स्पेसेस जो आपके बंद जगह होती हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रूम है, रूम क्या है, बंद स्पेस है, इट इज बेसिकली अ क्लोज्ड स्पेस। तो मैं क्या बोलूंगी, इन द रूम। तो ऐसे कोई भी जगह जो क्या है आपकी बंद जगहों के लिए, वी यूज द प्रेपोजिशन इन। ऑलराइट, अब आता है आपका ऑन। ऑन मैं सरफेस के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ऑन किसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी, सरफेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हैंड, तो इसके ऊपर, राइट, मेरे जो हाथ है इसके ऊपर अगर कोई चीज रखी हुई है, राइट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पाम एंड आई हैव पुट व्हाट, मार्कर इसके ऊपर रखा है, तो सरफेस की बात कर रही हूँ ना मैं। टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल का जो टॉप है दैट इज द सरफेस, तभी हम क्या बोलते हैं, ऑन द टेबल, राइट। सो व्हेन वी आर रेफरिंग टू सरफेस, सरफेस की बात हो रही है। अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पाम और इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, मार्कर रख दिया, तो सरफेस के ऊपर है ना मार्कर, तो जब भी मैं सरफेस की बात कर रही हूँ देयर आई विल यूज ऑन। ठीक है, ऑन द टेबल अगर मैं बोलती हूँ एग्जाम्पल के लिए, ऑन द टेबल। इतना क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एट, इन और ऑन, प्लेस, राइट। जब हम ये तीनों प्रेपोजिशन किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हेन वी आर यूजिंग दिस फॉर प्लेस, ठीक है, किसी जगह के बारे में रेफर कर रहे हैं, तब मैं क्या यूज करूंगी, एट, इन और ऑन। कब कब यूज करूंगी, एट पॉइंट के लिए यूज करूंगी, इन किसी बंद जगह के लिए मैं यूज करूंगी, और आपका ऑन सरफेस के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी। एक और चीज याद रखिएगा, एट और इन में, एट बेसिकली छोटी जगहों के लिए, फॉर द स्मॉल प्लेस, वहां पे मैं एट का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन अगर मैं किसी बड़ी जगह की बात कर रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाउन या फिर सिटी, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, तो इसमें मैं क्या यूज करूंगी, आई विल यूज इन विद इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ एग्जाम्पल के तौर पे, ही लीव्स एट अलवर इन राजस्थान। राजस्थान इट इज अ नेम ऑफ अ स्टेट, कंपैरेटिवली क्या है, बड़ी जगह का नाम है, तो इसीलिए इन है ना, स्टेट क्या है, ऑब्वियसली स्टेट क्या है, बड़ी जगह है, तो इसलिए मैंने इन राजस्थान बोला। लेकिन अलवर जो है इट इज अ स्मॉल सिटी, है ना, छोटी जगहों के लिए मैं किस प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करती हूँ, एट का। आई होप आपको इनका डिफरेंस समझ में आया होगा। इफ आई हैव टू से इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया होगा, एट इंडिया नहीं होगा, इन न्यू दिल्ली, राइट। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, बड़ी जगह के नाम है, इन इंडिया एक पूरी कंट्री का नाम है, राइट। तो मैं उसके साथ प्रपोजिशन कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ, इन। लेकिन जब मैं छोटी जगह के बारे में बात कर रही हूँ, सिटी के बारे में भी अगर बात कर रही हूँ, लेकिन क्या छोटी सिटी है वो, है ना, तब भी मैं एट का इस्तेमाल करूंगी। क्लियर? एक और चीज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जब मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी लीव्स एट हर होम। होम क्या है, इट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, एट का। बट वेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग विच इज इन मोशन, कोई भी चीज जो क्या है, चल रही है, एग्जाम्पल द ट्रेन इज इन मोशन, मूवमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, जब कोई चीज क्या है, स्टेशनरी है, देर आई विल यूज एट, राइट। अगर कोई चीज जो है वो चल रही है, देर आई विल यूज इन। द ट्रेन इज इन मोशन, द ट्रेन इज इन मोशन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मूवमेंट हो रहा है ना, तो जब मूवमेंट की बात की जा रही है तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। जब किसी स्टेशनरी चीज के बारे में बात की जा रही है, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो चल नहीं सकती है, स्टेशनरी है, स्टैग्नेंट है, उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, एट का। क्लियर? अब सी, अभी हमने इनकी बारे में पढ़ा, एक को छोटा सा डिफरेंस और जान लिए कि और जान लीजिए कि हम इन और इनटू कब इस्तेमाल करेंगे, इन और इनटू कब इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक हम एट, इन और ऑन,
हमने टाइम के बारे में पढ़ा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स विद रेफरेंस टू टाइम तब हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन तीनों में से, जब हम प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं और जब कोई चीज इधर इट इज स्टेशनरी और इट इज इन मोशन तब हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अब इन और इनटू का डिफरेंस क्या होता है? अगर हम इन या इनटू की बात करें, अब इनका मैंने अभी आपको बताया इन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज मोशन में है, पर एक और चीज आप याद रखिएगा उससे पहले इनटू का ही हम जान लीजिए। इनटू व्हेन समथिंग इज इन मूवमेंट, कोई चीज मोशन में है, डिफरेंस मैं भी आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल शी एंटर्ड इनटू द रूम, क्या हुई वो रूम में एंटर हुई, मतलब वो चीज क्या है मोशन में है ना, है ना, कोई चीज क्या है मूवमेंट हो रही है उसमें, राइट। कोई चीज जब क्या है उस टाइम पे उसमें मूवमेंट हो रहा है, इन जनरल हम बात नहीं कर रहे, उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज में क्या है, व्हेन दैट पर्टिकुलर थिंग इज इन मोशन, कोई उसमें मूवमेंट हो रहा है, देयर वी विल यूज इनटू। और एल्स अनदर एग्जांपल, ही डाइव्ड इनटू द वाटर, अगर आप डाइव कर रहे हो, दिस इज हाउ यू डाइव, आप किस में मूवमेंट में हो, एक मोशन है आप में उस पर्टिकुलर टाइम पे, सो देयर आई विल यूज इनटू, राइट। बट इसी सेंटेंस का ही इज स्विमिंग इन द रिवर, अब यहाँ पे जो मोशन हो रहा है, मोशन तो हो रहा है यहाँ पे, राइट, बट वहां पे वो कोई चीज जो है वो किसी दूसरे चीज में, राइट, लेवल एक है वहां पे। इनटू में आपको क्या था, देयर इज अ डिफरेंट लेवल, एक जगह से दूसरी जगह पे मोशन हो रहा है, लेकिन इन दिस स्टेटमेंट स्विमिंग में मोशन तो हो रहा है लेकिन सेम लेवल पे मोशन हो रहा है, इनटू में आपका एक स्पेस से दूसरी स्पेस पे जाया जा रहा है, राइट, देयर इज अ डिफरेंस, है ना, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट हो रहा है उसका, देयर वी विल यूज इनटू, लेकिन कोई चीज मोशन में तो है लेकिन उसी जगह पे है, राइट, टू एंड फ्रो मूवमेंट नहीं है वहां पे, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। इसके बाद जो आपका आता है दैट इज ऑन टू एंड ऑन, ऑन टू एंड ऑन। अब ऑन टू और ऑन जो है ना, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू इन एंड इन टू, जो अभी हमने इन और इन टू पढ़ा उसी से काफी ज्यादा ये चीज सिमिलर है। आप ऑन किसके इस्तेमाल करते हो, व्हेन समथिंग इज ऑन द सर्फेस, है ना, कोई चीज क्या है सर्फेस के ऊपर है, राइट, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर कोई चीज है, सर्फेस के ऊपर कोई चीज है, वहां पे मैं क्या बोलूंगी, ऑन द सर्फेस, ठीक है, तो सर्फेस के लिए मैं किसका इस्तेमाल करती हूँ, ऑन का। लेकिन ऑन टू जब कोई चीज लेवल हो रही है, व्हेन एनीथिंग इज एट अ लेवल, मतलब एक लेवल से वो दूसरे लेवल पे जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेवल की जब मैं रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, राइट, समथिंग इज एलिवेटिंग, फॉर एग्जाम्पल शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, शी क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, अब रूफ की अगर मैं बात कर रही हूँ, धीरे धीरे कोई चढ़ना अगर शुरू करता है तो लेवल ही तो बढ़ रहा है, ऑल्टीट्यूड चेंज हो रहा है, लेवल ऊपर हो रहा है, एलिवेशन है ना उसमें, राइट, रूफ क्या है किसी एक एलिवेटेड पॉइंट पे होती है, तो मैं उसका ऑन टू इस्तेमाल कर रही हूँ वहां पे। द प्रपोजिशन दैट आई एम यूजिंग देयर इज ऑन टू, क्यों, लेवल के बारे में बात हो रही है, लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है, बढ़ रहा है, देयर आई विल यूज ऑन, लेकिन कोई चीज सिर्फ और सिर्फ सर्फेस पे है, व्हेन एनीथिंग इज जस्ट ऑन द सर्फेस देयर आई विल यूज ऑन, ठीक है, सिर्फ सरफेस के रेफरेंस पे बात हुई जा रही है, यहाँ पे लेवल चेंज नहीं हो रहा है, राइट, लेवल बढ़ नहीं रहा है, एलिवेशन पॉइंट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने ऑन का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर कोई चीज क्या हो रही है, एलिवेट हो रही है, ठीक है, जैसे कि आप माउंटेन्स पे चढ़ते हो, क्या होता है आपके ऑल्टीट्यूड बढ़ते जाते हैं ना, लेवल होता जा रहा है ना वहां पे, एक लेवल से दूसरे लेवल पे कोई चीज जा रही है, तो जब लेवल के बारे में बात करोगे आप, और वो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, रूफ में शी क्लाइम ऑन टू द रूफ, है ना, रूफ क्या है भाई, किसी ऊंचाई पे ही तो होगी रूफ,
तभी तो उसका नाम रूफ है। तो रूफ किसी ऊंचाई पे होगी तो बेसिकली देयर इज एन एलिवेशन, है ना, लेवल है वहां पे, देयर आई हैव यूज्ड ऑन टू। लेकिन जब सिर्फ सरफेस के, प्लेन सरफेस के बारे में बात करूंगी तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगी वहां पे, ऑन का। आई होप आपको ऑन और ऑन टू का डिफरेंस अब क्लियर होगा। इसके बाद जो आपका प्रेपोजिशन है दैट इज विद और बाय, विद और बाय, विद और बाय, इन दोनों टर्म के साथ ना, इन दोनों प्रेपोजिशन के साथ एक एक टर्म याद रखो। विद इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज किया जाता है, विद आप किसके साथ इस्तेमाल करोगे, इंस्ट्रूमेंट के साथ। बाय आप किसके साथ इस्तेमाल करोगे, फॉर द एजेंट। साइंस में पढ़ते हो ना कि कुछ कुछ आपके डिजीज के बारे में पढ़ते हो, मलेरिया का कॉजिंग एजेंट आपका कौन सा होता है, मलेरिया हुआ तो उसका कॉजिंग एजेंट कौन है, किसके वजह से होता है वो, राइट right? तो एजेंट आपका क्या है, बेसिकली एजेंट आपके लिविंग बीइंग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, किस चीज की तरफ वजह से वो चीज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, शी किल्ड द स्नेक With a stick. किस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ टू किल द स्नेक, किस चीज का इस्तेमाल किया आपने, यू हैव यूज अ सर्टेन ऑब्जेक्ट। स्टिक क्या है, इट इज अ ऑब्जेक्ट, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, तो उससे पहले मैं कौन सा प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करूंगी, विद का, है ना, विद का ही तो इस्तेमाल करूंगी मैं। सो कोई भी चीज, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट, है ना, किसी चीज के बारे में अगर आप बात करोगे तो आप क्या यूज करोगे, विद का। लेकिन अगर मैं एजेंट के बारे में बात कर रही हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एजेंट, जे एग्जांपल, द लेटर इज रिटन बाय माय ब्रदर, मेरे भाई ने ये लेटर लिखा, यही तो मैं बोल रही हूं। अब यहाँ पे एजेंट क्या है, है ना, किसने लिखा है, अगर कोई लेटर लिख रहा है लिविंग बीइंग के बारे में बात करूंगी, है ना, तो यहाँ पे ब्रदर इज द एजेंट। तो इसीलिए मैंने किस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया, आई हैव यूज द प्रेपोजिशन बाय हियर, ठीक है। मैं ये नहीं लिखूंगी द लेटर इज रिटन विद माई ब्रदर, विद का मतलब क्या हुआ कि मैंने उनके साथ में लिखा, है ना, विद का मतलब तो क्या हो गया यहाँ पे, टुगेदर, राइट। विद का मतलब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में अगर मैं विद का इस्तेमाल करती तो उसका मतलब क्या होता है, साथ में। तो जब मैं किसी एजेंट के बारे में बात करूंगी ना, तब आई विल यूज द प्रेपोजिशन बाय, है ना। साइंस में हमेशा देयर इज अ कॉजेटिव एजेंट फॉर एनी डिजीज, पैथोजन हो सकता है वो, राइट, पैरासाइट हो सकता है, तो कोई एक एजेंट है, देयर इज अ कॉजेटिव एजेंट दैट इज कॉजिंग द डिजीज, है ना। उसी तरीके से एजेंट आपके क्या होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, तब मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, विद का इस्तेमाल करूंगी, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका प्रेपोजिशन है दैट इज फॉर, फ्रॉम एंड सिंस, ये आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करोगे। अब जब मैं सिंस की बात करती हूँ, दैट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या हुआ आपका, स्पेसिफिक टाइम की जब मैं बात कर रही हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टाइम, तब मैं किसका इस्तेमाल करती हूँ, सिंस का, ठीक है। सिंस एस से स्टार्ट हो रहा है, स्पेसिफिक एस से, तो एक तरीके ऐसे भी याद रख सकते हो आप। अगर मैं फ्रॉम के इस्तेमाल करूंगी तो फ्रॉम का इस्तेमाल मैं किसके करूंगी, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम की जब मैं बात कर रही हूँ, देयर आई विल यूज फ्रॉम, राइट, सॉरी फॉर, फॉर मैं किसके लिए इस्तेमाल करती हूँ, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन की जब मैं बात कर रही हूँ, जब मैं ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ तब मैं किसका इस्तेमाल करती हूँ, फॉर का। जब मैं स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करूंगी, देयर आई विल यूज सिंस, ठीक है। एग्जाम्पल, ही
resides in the city for 6 years. ड्यूरेशन के बारे में बात कर रही हूं ना मैं, फॉर 6 years. सिंस का ही प्लेज क्रिकेट सिंस द एज ऑफ 6. 6 साल से. एक मैंने क्या किया, प्रिसाइज या फिर स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताया कि जब वो 6 साल का था तब से उसने खेलना शुरू किया. राइट, तो सिंस आप किसके इस्तेमाल करते हो, वी यूज सिंस फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम. स्पेसिफिक टाइम की जब मैं बात करूंगी देयर आई विल यूज सिंस, लेकिन मैं फॉर का इस्तेमाल कब करूंगी, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा. ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम है ना, आपकी क्लास में या फिर व्हेन यू हैव अ एग्जाम आपको दे रखा होता है ना ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट भी है वहां पे है ना, तभी तो जाके वो एक ड्यूरेशन हुआ. तो जब मैं ड्यूरेशन की बात करूंगी देयर आई विल यूज फॉर है ना, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल यूज फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं सिंस का इस्तेमाल करती हूँ. एक और आपका आता है फॉर. फॉर में एक चीज याद रखिएगा, फॉर जो होता है वो आपका यूजुअली टू के साथ इस्तेमाल किया जाता है ना. फॉर जो है आपका या तो वो किसके साथ, टू के साथ इस्तेमाल किया जाता है, अंटिल या टिल, इन सब वर्ड के साथ इस्तेमाल किया जाता है. फॉर यूजुअली आपके क्या होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर का. फॉर जब मैं इस्तेमाल करूंगी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा. फॉर आप किसके रेफरेंस में यूज करते हो, टू के या फिर अंटिल या टिल. जैसे कि कोई चीज स्टार्ट हुई किस पर्टिकुलर टाइम पे, राइट, और उसका कोई ड्यूरेशन है, तो आप टू एंड फॉर का इस्तेमाल करोगी, टू एंड फ्रॉम, सॉरी. ठीक है, टू एंड फ्रॉम बेसिकली आपका क्या बता रही है, स्टार्ट होने का एक टाइम है और खत्म होने का एक टाइम है, तब मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, टू एंड फ्रॉम. क्लियर है, तो फ्रॉम आपका क्या बता रहा है, जब आपकी कोई चीज स्टार्ट हुई है ना, कुछ समय तक चली है और जब वो खत्म हुई है, राइट. या फिर अगर मान लो ये एक क्या है, रेस का एक ट्रैक है, तो मैं क्या बोलूंगी, द रेस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट. कहीं पे आगे जाके तो एक फिनिश पॉइंट होगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट लिए मैंने क्या यूज किया, फ्रॉम का इस्तेमाल किया है ना. जब मैं क्या बता रही हूँ, जब आपकी क्या है, स्टार्टिंग लाइन है और एक फिनिश लाइन है, मुझे जब वो चीज पॉइंट आउट करनी है देयर आई विल यूज फ्रॉम. इतना क्लियर है. जो आपका नेक्स्ट है दैट इज ड्यूरिंग. जब मैं ड्यूरिंग के बारे में बात कर रही हूं, ड्यूरिंग आपका क्या बताता है, ड्यूरिंग बेसिकली टेल्स यू अबाउट द कंडीशन. ड्यूरिंग आपको क्या बताता है, कंडीशन, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, नोन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या है, नोन है, राइट. यू ऑलरेडी नो द टाइम पीरियड, यू ऑलरेडी नो द कंडीशन. जैसे कि ड्यूरिंग समर, समर क्या है, इट इज अ टाइम पीरियड है ना, लेकिन नोन है, राइट. शी विजिटेड आवर हाउस ड्यूरिंग समर. अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, शी विजिटेड अस ड्यूरिंग समर. टाइम पीरियड तो है समर, लेकिन नोन टाइम पीरियड है. किस कंडीशन में, किस टाइम पे विजिट करती थी वो, समर में है ना, गर्मियों में वो शी यूज टू विजिट अस. तो फिर ड्यूरिंग आपको क्या बताता है, नोन टाइम पीरियड बताता है. या फिर ड्यूरिंग चाइल्डहुड में बोल सकती हूँ. तो व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज अ नोन टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड क्या है, दैट इज ऑलरेडी नोन. चाइल्डहुड है ना, बचपना क्या है, आप ऑलरेडी बिता चुके हो, राइट. सो व्हेन आई एम रेफरिंग टू नोन टाइम पीरियड देयर आई विल यूज ड्यूरिंग. क्लियर है इतना. अब एक जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपका दैट इज बिसाइड एंड बिसाइड्स. बिसाइड एंड बिसाइड्स, ठीक है, ये दोनों जो आपके टर्म है बहुत डिफरेंस है इसमें, राइट. इवन दो इट्स जस्ट द एस, बट इसमें बहुत डिफरेंस है. बिसाइड का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे याद रखो, बी साइड मतलब एट द साइड,
जिसको आप बोलते हैं ना बगल में, बाजू में, दैट इज बिसाइड, ठीक है। मोहन इज सिटिंग बिसाइड, मोहन इज सिटिंग बिसाइड प्रिया, मतलब क्या हुआ? मोहन जो है वो क्या है, प्रिया के साइड में है, साइड बिसाइड, बी साइड एट द साइड, है ना, उसके साइड में, बगल में। राइट, अगर मैं बोलती हूँ माय हाउस इज बिसाइड अ रिवर, मतलब नदी के क्या है, नदी के पास है, राइट, नदी के साइड में मेरा घर है, यही तो मतलब है। तो बिसाइड की जब मैं बात करूंगी देन इट रेफर्स टू एट द साइड, साइड के बारे में बात कर रही हूँ, है ना, मतलब मेरे साइड में जो चीज है, व्हेन आई एम रेफरिंग टू दैट, तो मैं बिसाइड का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन अगर मैं बिसाइड्स की बात करती हूँ, बिसाइड्स की, बिसाइड्स विद अ एस, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इसका क्या मतलब होता है, इन एडिशन टू या फिर एज वेल एज, है ना। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब जो चीज मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ उसके अलावा अगर मुझे कोई चीज बोलनी है तब मैं क्या यूज करूंगी, बिसाइड्स। कई बार आप क्या करते हो, अगर आपने एक सेंटेंस में बहुत ज्यादा एंड का इस्तेमाल कर दिया, नाउ टू अवॉइड द यूसेज ऑफ द कंजंक्शन एंड, मैं एज वेल एज भी तो लिख सकती हूँ, उसी तरीके से मैं बिसाइड्स भी लिख सकती हूँ, क्योंकि बिसाइड्स क्या है, जो चीज मैं बोल रही हूँ उसके अलावा, इन एडिशन टू दैट, एक चीज तो हो गई है, उसके व्हेन आई हैव टू ऐड मोर टू दैट सेंटेंस देयर आई विल यूज बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का मतलब क्या है, इन एडिशन टू, मतलब जो चीज बोल चुकी हूँ उसमें मुझे कोई और चीज एड ऑन करनी है, देयर आई विल यूज बिसाइड्स। एग्जांपल, बिसाइड्स एकेडमिक्स शी इज गुड एट स्पोर्ट्स, क्या मतलब निकल रहा है इसका, एकेडमिक्स के साथ, इन एडिशन टू एकेडमिक्स, वो किस में अच्छी है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी है। तो क्या मतलब निकल के आया, एकेडमिक्स में तो अच्छी है ये, उसके साथ इन एडिशन टू दैट शी इज गुड एट स्पोर्ट्स एज वेल, है ना। एक चीज हमने ऑलरेडी बता दी, उसके अलावा हमें बताने की भाई इन एडिशन टू दैट, तो हमने किस का इस्तेमाल किया, बिसाइड्स। तो बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड, राइट, अगर कोई चीज जो है आपके साइड में है, आपके बाजू में है, देयर यू विल यूज बिसाइड, बट बिसाइड्स का मतलब होता है आपका इन एडिशन टू। इस इन में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, राइट। अगर आपका एरर का कैसे क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे बिसाइड्स की जगह बिसाइड है, बिसाइड एकेडमिक शी इज गुड एट स्पोर्ट्स, तो अगर आपको बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस पता है तब तो आप आराम से स्पॉट कर सकते हो एरर, लेकिन नहीं पता तो क्या है, आपके लिए पूरा स्टेटमेंट सही है, राइट। तो बिसाइड्स मींस इन एडिशन टू, बिसाइड्स के या तो आप ऐसे याद कर सकते हो बिसाइड्स को एंड, है ना, या फिर एज वेल एज आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हो उसके अलावा बिसाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड, ठीक है। यू जस्ट नीड टू ब्रेक डाउन दीज टू टर्म्स, बी साइड मतलब जो साइड में है आपके, ऑलराइट। अब तक हमने क्या पढ़ा है, कुछ कुछ प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा है, वी आर स्टिल लेफ्ट विद मोर प्रेपोजिशन दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, बट बिफोर लिविंग मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगी दैट वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन बैचेस, हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट होगा जहाँ पे जो भी आपके डिफेंस एग्जामिनेशन है, वेदर इट इज RIMC, RMS, FCAT, CDS, NDA, सैनिक स्कूल, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। फॉर द एनरोलमेंट द रजिस्ट्रेशन नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड फॉर फर्दर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी रेफर कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू एवरी वन।